ऐसा है, ये देखो अब ये कुछ मैंने ये स्प्रे किया है पानी, और पानी से ये देखो कुछ बच्चे। हाँ भाई कौन सी गाड़ी है, कहाँ से पता लगा? टायर में तो BMW कहीं लिखा ही नहीं। तो भाई गाड़ी देख के कुछ लोग अपने आप ही रुक जाते हैं। तो कैसी अपनी टर्बो फैमिली, आज क्या है मैं फैमिली के लिए कुछ करने जा रहा हूँ और 2 मिनट के बाद पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करने जा रहा हूँ। बट आपको मैं ये जरूर दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो उसमें कितनी मेहनत लगती है और कितनी मशक्कत करनी पड़ती है एक्चुअल में। तो मेहनत और मशक्कत करने से अपन वैसे घबराते नहीं है कभी भी, बट स्टिल नज़र तो आ जाए ना कि क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन्स, आज थोड़ा सा देख। तो एग्जैक्टली मैं चेस कर रहा था ये वाला जो सन है, ये सन और ये पीछे वाला व्यू, और ये खड़ी अपनी वायरस, और ये रे शिम्पी भाई। तो आज कुछ इसकी फोटोग्राफ्स, क्योंकि इसके अभी तक वॉलपेपर्स नहीं बनाए अपन ने, तो मुझे लगा कि कुछ वॉलपेपर्स तैयार कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ा आए, अपन भी मतलब मोबाइल वोबाइल पर लगा सकें और इधर उधर कुछ यूज़ कर सकें, क्योंकि कार तैयार हुई है बहुत ही बम और वॉलपेपर्स एक भी नहीं है, मतलब इसकी प्रॉपर फोटोग्राफी अभी तक हुई ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज शिम्पी भाई को पकड़ ही लेते हैं और ये काम कर लेते हैं बस। तो भाई गाड़ी देख के कुछ लोग अपने आप ही रुक जाते हैं। चलो शुभ नाम आपका? नाम तो तेजराम। तेजराम जी क्या बात है, टर्बो फैमिली के मेंबर। हाँ, यूट्यूब मेरी फेवरेट गाड़ी लेके घूम रहे हो आप, पता है ये एटियोस मेरी फेवरेट गाड़ी है, मजाक नहीं कर रहा। मैंने 180,000 किलोमीटर चला के बेची है ये। लीवा। फिर गुड़गांव में कहाँ है आपका रेजिडेंस? यही पास में बस। तो मैं ना गाड़ी में भी नीचे छुपा हुआ हूँ तो समझ जो क्यों छुपा हूँ, क्योंकि सामने से ना फोटो खींच रही है, तो मेरे को ना गाड़ी बार बार आगे पीछे करनी पड़ रही है, क्योंकि सन से वो प्रॉपर वाला एक जो पोज होता है ना वो चाहिए, मतलब पीछे सन आ रहा हो और आगे से गाड़ी दिख रही हो, तो वो वाला परफेक्ट पोज। और शिम्पी भाई ले रहे हैं आगे से फोटो, तो मैं गाड़ी आगे पीछे करते हुए बार बार बाहर निकलने की जगह अंदर ही छुप गया। तो देखो कितनी मेहनत होती है ना, ऐसे छोटी छोटी ना मेहनत करनी पड़ती है, बट ये भी ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर गाड़ी तैयार हुई है तो दिखनी भी तो चाहिए, तो अगर दिखेगी नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता ना। जैसे वायरल की जब फोटो शूट हुआ था तो बम कर दिया था अपने, जहर कर दिया था, मतलब वो जहर वाला एक वर्ड होता है ना बड़ा, वैसा कर दिया था। तो इसको भी थोड़ा सा जहर करना है, और इस वायरस को ना अपन एंटीवायरस वाले स्टाइल में फैला देंगे पूरा। ये देखो मेहनत, क्या खतरनाक मेहनत हो रही है। तो ये रही अपनी कार, और पीछे ये है सन। ओए होए गजब लग रहा है, मतलब पीछे का बैकग्राउंड इतना सॉलिड आ रहा होगा 100%। ये खड़ी अपनी वायरस, और थोड़ा सा ना अभी बम्पर का रैप दोबारा होना है, जल्दी कर लेंगे ये भी कर लेंगे। तो जब से मैं वायरस पे घूम रहा हूँ ना, एक और चीज़ चेंज हो गई है कि कभी भी मतलब मैं घूम रहा होता हूँ ना, तो रोज़ कम से कम 3-4-5 अपने टर्बो फैमिली के मेंबर्स मुझे मिल जाते हैं, और फिर उनसे थोड़ी चिट चैट हो जाती है। तो अभी भी वो एटियोस वाले जो भैया थे उनसे काफ़ी देर मेरी चिट चैट हुई, और थोड़ा मतलब अच्छा लगता है, बातचीत होती है, थोड़ा मतलब एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, ये भी एक अलग है, फ़न है मतलब इसमें भी। तो हवा शायद ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि इस कैमरे में ना अभी तक बफ नहीं लगा हुआ, तो लेट्स सी पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो ये रही अपनी घुर करती हुई। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है एंड अच्छी लग रही है। मेरे क्या एक्चुअली आज मैंने ग्लासेस लगा रखे हैं पिंक कलर के ना, तो थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट लग रहा है, बट एक्चुअल में ये येलो ही है, पूरी प्रॉपर येलो, बट मुझे ना ये ऑरेंज लग रही है। तो ये देखो ये येलो है, और ये देखो कलर हो गया ना चेंज, तो ऐसी दिख रही थी मुझे कुछ। पीछे देखो कितना अल्टीमेट लग रहा है, एक नंबर बिल्कुल। ऐसा है, ये देखो अब ये कुछ मैंने ये स्प्रे किया है पानी, और पानी इसलिए स्प्रे किया कि कुछ शॉट्स लेने थे। ये रहा स्प्रेयर, ये रही मेरे हाथ में लाइट, और ये रहे शिम्पी भाई खींचते हुए। तो थोड़ा सा कुछ शॉट ऐसा चाहिए था जिसमें थोड़ा सा स्प्रे आ जाए। मैं ना गाड़ी बार बार आगे पीछे घुमा के ना थक गया हूँ, बड़ा टेढ़ा काम है ये, नॉट ईजी। भैया आ गया शिम्पी भैया, हेलो हाई, कैसे हो शिम्पी भैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया भैया, आप बताओ। क्यों बढ़िया क्यों है? बस बढ़िया है। क्यों? आंसर। शूट करके मजा आया। शूट कर लिया। अच्छा इसलिए बढ़िया, ओके। तो जब लाइफ में मजा आ रहा हूँ ना तो सब बढ़िया होता है, यही एक पॉइंट है, हमेशा एंजॉय करो, खुश रहो, दैट्स द की, एक्चुअल की। तो अभी सिर्फ एक फ्रेम लिया है, अभी बहुत सारी और लोकेशंस पे जाना है,
और फिर डिफरेंट 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 चीज़ें ट्राई करनी है। तो ये रही एक और लोकेशन जिसमें पीछे ये बिल्डिंग वाला फ्रेम ले रहे हैं, ये खड़ी कार और भाई शूट करते हुए। तो ये रहे कुछ बच्चे। हाँ भाई कौन सी गाड़ी है, कहाँ से पता लगा? टायर में तो BMW कहीं लिखा ही नहीं हुआ। कहाँ लिखा? अच्छा BMW लिखा हुआ टायर में। अरे इससे भी पता चल रहा है गाड़ी के आगे की डिक्की आगे का। आगे की डिक्की आगे की सिस्टम से पता चल रहा है। आगे के सिस्टम से? ऐसी गाड़ी देखी है तूने पहले कभी? और क्या, क्या बात कर रहा है। व्हाइट में देखी है इसलिए पता है BMW। ओए होए लौंडे, बड़ी नॉलेज है, पहचान गया भाई। सेकेंड लोकेशन भी हुई डन, अब चलेंगे थोड़ा अंधेरे में, मतलब बेसमेंट में। और बेसमेंट में कुछ डिफरेंट तरीका शूट दिमाग में है, वो ट्राई करते हैं कैसा होता है। वैसे ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी शिम्पी भाई का जॉनर नहीं है, ये फैशन करते हैं, बट स्टिल मैंने आज इनको पकड़ लिया और मैंने कहा नहीं, जब तक ट्राई कुछ भी, हाँ जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक कैसे सीखेंगे, तो सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी भाई सीख रहे हैं, कुछ ट्रायल टेस्ट चल रहे हैं। हमेशा सीखना चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए। तो वैसे इनकी फोटोग्राफी देखनी हो तो इनका इंस्टाग्राम पेज नीचे आ चुका है, उस पर जाके फोटोग्राफ्स देखो इनकी, बहुत ही अल्टीमेट फोटोज खींचते हैं। और चलते हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फाइनली मैं आ गया हूँ बेसमेंट में, मेरे साथ में शिवम और ये खड़ी कार। तो कुछ बेसमेंट के शॉट्स ट्राई करते हैं, मतलब ट्राई करेंगे नहीं जब तक तो समझ में आएगा नहीं कि क्या हो रहा है, बट हाँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है। लाइट्स के साथ खेलना, फ्रेम के साथ खेलना, और नेचुरल लाइट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, मतलब क्योंकि ट्यूबलाइट्स जल रही हैं तो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी होता है ये। देखो यार कैसे जहर लग रही है खड़ी हुई यहाँ पे, अभी तो फोटो आएगी तो पता लगेगा एक्चुअल में जहर क्या होता है। एंड आ रही है फोटो तो। ये देखो भाई ये रही लाइट, ये कार, ये शिवम खड़ा हुआ एक लाइट लेके, और ये चल रही फोटोग्राफी इसकी। एक और फ्रेम, थोड़ा सा ट्रिकी है मामला बट अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। फोटोज जब आएंगी इसकी पूरी निकल के तो बहुत ही गजब की आएंगी। कैसी लग रही है वायरस? अल्टीमेट लग रही है ना, बिल्कुल एंड लग रही है, बिल्कुल एंड। तो एक बार पीछे से भी दिखाता हूँ, अभी तक पीछे की एक भी फ़ोटो नहीं खींची हमने, मतलब एक दो ही खींची है, ज़्यादा नहीं, बट पीछे से भी यू नो लगती गदर है, लग रही है ना खतरनाक बिल्कुल। तो अभी पीछे की भी दो तीन और फ़ोटोज़ खींच के फिर चलते हैं थोड़ा घर, एंड बेसिक बिना एडिटिंग वाली फ़ोटोज़ कुछ दिखा देता हूँ। इस बार मैं एक गूगल ड्राइव बनाने वाला हूँ जिसमें मैं फ़ोटोज़ देने वाला हूँ सबको, कि मतलब कोई भी एडिट कर पाए उसको, एंड अपना अपना यू नो मतलब टैलेंट दिखा पाए अच्छे से। Much later. फाइनली मैं घर आ गया हूँ और ये देखो अब शूट ऐसा हुआ है कुछ, ये अभी बिल्कुल रॉ पिक्चर्स हैं और अभी बहुत काम बाकी है इसमें। जल्दी ही इसको अपन मैं दे दूंगा फोटोग्राफ्स ताकि आप लोग भी एडिट कर सको। तो आउटडोर की भी फोटोग्राफ्स हैं, पर आउटडोर की क्या एडिटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना एडिटिंग के वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये देखो भाई एंड लग रही है, मतलब कार ऐसी लग रही है ख़तरनाक सी कि क्या ही बोलूँ मैं। तो कुछ रैपिंग वैपिंग हल्की फुल्की गड़बड़ है कार में, बट मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। लग रही है ख़तरनाक, कुछ एक फ़ोटोज़ तो बहुत ही एंड आई हैं, मतलब देख के ही मज़ा आ गया, लग रहा था कि भाई खेल गए हम फोटोज़ में। तो ये देखो ओए क्या लग रही है ख़तरनाक सी शिम्पी। तो इनका पहला शूट है ये जो ऑटोमोबाइल का है, मतलब ये किसी कार को शूट किया इन्होंने पहली बार, बट हाँ पहली बार के हिसाब से अच्छा हुआ है। और अभी वर्किंग होगी, अभी और मेहनत होगी, अभी और भाई थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, एंड फोटोज़ का एक मैं फोल्डर्स बनाऊंगा या गूगल ड्राइव बना दूंगा, आप अपने हिसाब से एडिट करके भी भेज सकते हो, पर एक ही शर्त है कि कार का कलर अपने को चेंज नहीं करना है, कलर येलो ही रहेगा। अब आप बैकग्राउंड में क्या करने वाले हो, बाकी सब क्या खेलने वाले हो, ये आप लोगों के ऊपर। तो ये टर्बो फैमिली के ऊपर है, ये एग्जैक्ट गूगल ड्राइव का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले लेना और एडिट करके मुझे भेजना चालू कर दो। अच्छी एडिट वाली फ़ोटोज़ मैं बाकायदा एज अ वॉलपेपर पोस्ट कर दूंगा। ये एक उजड़े हुए इंसान क्या, क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं, बोर हो रहा हूँ। कौन सी वाली भग गई?
कोई नहीं भागी। वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, पता नहीं, तीन तो चल ही रहे हैं तेरे, ये तो पक्का पता है। शाम को जिसका फोन आता वही ना, शाम को नहीं नहीं वो तो अलग है, वो उससे तो चल रहा है। अच्छा उससे चल रहा है, बिगड़ी किससे है? अरे बिगड़ी किससे भी नहीं है, सच से बता देना। सच्ची में किससे नहीं? चॉकलेट खिलाऊंगा पक्का, बता दे। चारों में से बता दे। अच्छा फोर तो है ही नहीं, थ्री चौथी तो चल रही है, फिंगर चूज कर ले चल। अरे कोई नहीं है, झूठ फिर फिर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा हूँ क्या? अभी अभी तू बोल रहा था हाँ। अरे नहीं, आइसक्रीम चॉकलेट सुन के बेटा पकड़ा गया आज तू तो भाई हो रहे हैं थोड़े से अभी, मतलब यू नो वो अभी समझ जाओ मतलब कौन सी वाली एज में है, अभी अलग एज में है, ये अलग अलग वाले टोरे में है। तो भाई जो भी है ये जो भी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर देना प्लीज भाई। हाँ। अब समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या ये वर्क डेस्क ऐसा कब से होने लग गया किसी का, कैसा वर्क डेस्क है ये, क्यों है ये? ये सब करते हैं, सब बैठते हैं इस पे, सब कुछ ना कुछ रखते जाते हैं इस पे, सब बैठते हैं यहाँ चेयर पे, सारे बैठते कुछ ना कुछ रखते। ऐसा भी मेरा सामान ना मैं अभी दो मिनट के अंदर सारा हटाने वाला हूँ, और उसके बाद अगर इसने ये काम नहीं किया तो इसकी एक फोटो डाल के मैं पोस्ट करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, और उसमें लिटरली मैं बोलने वाला हूँ इसका अकाउंट को रिपोर्ट कर दो। अगर ये आज टेबल साफ नहीं हुआ तो इसका अकाउंट ही रिपोर्ट कर देना, इंस्टाग्राम पे रहेगा ही नहीं तो लड़कियों का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटन? हाँ बोल ना। क्यों अब क्या ना? अच्छी लगी हो वायरस की और थोड़ी सी मेहनत पसंद आ गई हो फोटोज को एडिटिंग वेडिटिंग करके प्लीज भेज देना, क्योंकि हम एडिटिंग में थोड़े से कच्चे हैं, अभी आती नहीं है अच्छे से एडिटिंग, तो अगर आप लोगों को कुछ एडिटिंग आती हो तो भेज देना। और वायरस की फोटोज कैसी लगी मुझे जरूर बताना। बम्पर में ना थोड़ी थोड़ी मतलब आपको थोड़ा मतलब वो रैप है ना वो हट गया, तो अभी हो जाएगा ठीक, क्योंकि रैपिंग वाला जो बंदा है ना वो भाग गया हमारा, भाग गया मतलब वो कहीं चला गया, तो अभी उसको वैसे ही फोटोशॉप पे रिपेयर कर देना और मुझे भेज देना। तो अगर सब कुछ पसंद आ गया तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और सीधा सुपर बाइकर से मिलवा दूँ एक बार, वैसे पता नहीं वो कैसी आदत में होगी, चलो छोड़ दो अभी, वो खाना वाना बना रही होंगी मम्मी के लिए 100%। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे, वैसे तो संडे आ गया है तो मतलब समझ जाओ मंडे को क्या आने वाला है, मंडे को अपन फुल ऐसे RPM ऐसे ऊपर होते हैं हमें ऐसे, वैसे वैसे मैं धीरे चलाने वाला हूँ 100%। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू फैमिली।